तो कहानी शुरू होती है अर्जुन कपूर से, जो थेरेपी में अपना रंडी रोना कर रहा है, बिकॉज आई डोंट नो मूवी अभी स्टार्ट हुई है यार। तो बैक स्टोरी स्टार्ट जहां ये इंजीनियरिंग के बाद IIM से MBA करने गया होता है, एंड वहां के कैंटीन में आलिया भट्ट लड़ रही है वहां के खाने के लिए। मैन वहां का खाना किसी को पसंद नहीं होता, मतलब इतना भी अनरियलिस्टिक चीजें मत दिखाओ। तो अर्जुन कपूर इसे अपना रसगुल्ला दे देता है, यू नो रसगुल्ला दे देता है। एनीवन नो ओके। तो ये उठा के उसे ले जाती है जबरदस्ती बाहर खाना खिलाने के लिए, जहां पता चलता है कि अर्जुन कपूर पंजाबी है एंड आलिया भट्ट मद्रासी। ओके। ऑल्सो मद्रासी आलिया भट्ट हैज ईगो इश्यूज, क्योंकि शी थिंक्स वो टॉपर है। तो अपने प्रोफेसर से जलील होने के बाद अर्जुन कपूर उसे ऑफर करता है पढ़ाने का, तो वो इसे सीधा कमरे में बुला लेती है। फिर गाना शुरू जहां पढ़ाई हो रही है, पर नो अर्जुन कपूर इज इन लव। तो अब वो उसे सो कॉल्ड पढ़ाई में हेल्प नहीं कर सकता, तो उसे जाके बोलता है हमसे ये ना हो पाएगा बाय। तो मद्रासी आलिया उसके कमरे में जाके पूछती है अका नहीं होगा बे, तो बोलता है क्योंकि हम तुम्हारा से प्यार करता है एंड बोला था ना सो कॉल्ड पढ़ाई। तो अगले दिन मद्रासी आलिया आके बोलती है ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे हम। A few moments later. हो गया इनके MBA से। और एक गाना शुरू जहां दोनों फिर दोनों अपना अपना कैंपस प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू देते हैं, पर अर्जुन कपूर इज इन लव। तो मद्रासी आलिया के बीच इंटरव्यू में जाके बोलता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। क्या कितना तमाशा होगा इसका अंदाजा नहीं तुम्हें। फिर दोनों के पेरेंट्स आते हैं कॉन्वोकेशन में, जहां अर्जुन की माँ इज रेसिस्ट। यहां मद्रासी भी पढ़ते हैं एंड आलिया के पेरेंट्स आई डोंट नो क्या है ये, बट खड़ूस आई गेस खड़ूस। नॉर्थ और साउथ की जमती नहीं है इस देश में भैया, ये पॉइंट याद रखना, बाद में कैट के एग्जाम में काम आएगा। तो मद्रासी आलिया को जॉब मिल जाती है चेन्नई में, एंड अर्जुन के पास ऑप्शन है कि कहां ऑप्ट करे। ऑल्सो इसका बाप रोनित रॉय इस मूवी में भी अभी तक उड़ान का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, एंड दोनों बाप बेटे की जमती नहीं। एक्चुअली रोनित रॉय की ना इस मूवी में किसी से नहीं जमती, उड़ान में इसलिए बच्चे मुंबई भाग जाते हैं इसके। सम पीपल नेवर लर्न यू नो। तो अर्जुन कपूर चेन्नई में ऑप्ट कर लेता है जॉब के लिए। ओह वी डिडंट सी इट कमिंग। जहां वो आलिया के घर जाता है उसके घर वालों से मिलने, जहां उसका बाप इज बीइंग अ खड़ूस, तो ये बोलती है हमारे भाई को IIT के लिए कोचिंग दे दो और उसी बहाने हमसे मिल लेना, बेचारा अब जॉब भी करेगा इसके भाई को भी पढ़ाएगा। सही है, बट इसी बहाने दोनों टोटली वर्थ इट ब्रो, योगी बाबा अप्रूव्स। तो आलिया के बाप का होता है शक, व्हाट द फक। तो वो उसे बोलता है सुन बे गेंडू, मेरी बेटी नहीं मिलने वाली तुझे, नाउ फक ऑफ। लेकिन अर्जुन कपूर के खून में है मूवी के अनुसार पंजाबी खून, तो वो गिव अप नहीं करता। वो उसके भाई को कोचिंग देता है, उसके बाप के बोरिंग जॉब का प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प करता है, एंड उसे बताता है कि हमका राइटर बनना है। अबे अबे ये तो चेतन भगत की कहानी है बे, ये भूलना मत भैया, ये भूलना मत, भूलना मत। तो आलिया का बाप जो है आर्ट का शौकीन इज इम्प्रेस्ड। तो वहीं आलिया की माँ को है गाने का शौक, तो वो उनको अपने ऑफिस के फंक्शन में बुलाता है, गाने का मौका देता है। तो मद्रासी आलिया का बाप इज मोर इम्प्रेस्ड। फिर अगले दिन वो देता है सबको एक एक गोल्ड रिंग, एंड उसका बाप इज नाउ फैन ऑफ अर्जुन, एंड हेंस रिश्ता अप्रूव्ड। चलो मद्रासी फैमिली सेट है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने की इच्छा रखने वाले बॉयज टेक सम नोट्स। सोना वैसे महंगा हो गया ठीक है, पहले बता दूं। anyway, तो अब करना है पंजाबी फैमिली को सेट। तो वो ले जाता है मद्रासी आलिया को अपने घर, यहाँ उसकी मॉम उसको देख के इज बीइंग अ बिच। फिर कार में सब बैठ के जाते हैं जहाँ शी इज स्टिल बीइंग अ बिच। फिर आलिया जाके बोलती है कि हम खाना बनाने में हेल्प कर दें, तो शी इज स्टिल बीइंग अ बिच। बट फिर डिनर टेबल पे दोनों अर्जुन के बारे में साथ में बिचिंग करते हैं, तो दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। बट नाउ डैड इज बीइंग अ बिच, उड़ान के कैरेक्टर से निकालो बे इसको कोई। वहां मोर फ्लैशबैक जहां 7 साल पहले अर्जुन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में अपने बाप को बताता है, तो चट देनी मार देली खींच के तमाचा। फिर अंदर डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, तो चट देनी मार देली खींच के तमाचा। उड़ान है बेटा, ये उड़ान है, इसीलिए इसके बाप के और बेटे की जमती नहीं।
Okay, getting darker. But since Arjun ki maa is impressed, to wo madrasi Alia ke parents se milne jaati hai, jahan she is still being a bitch. Wo ghoomne jaate hain and she is still being a bitch. Wo uske liye gifts leke aate hain, she is still being a bitch. To Alia breakup karke nikal jaati hai. Arjun beta, tera parivar ka paagal hai, kidhar nahi jaye, kahin nahi pahunchega tu, nahi kahin nahi pahunchega tu. वहाँ अर्जुन का बाप ट्राई करता रहता है बेटे से बात करने के लिए, लेकिन नाउ अर्जुन इज बीइंग अ बिच। तो एक गाने और एक्सट्रीम रंडी होने के बाद वो मद्रासी आलिया से मिलने जाता है, पर वो बोलती है, सुन बे गेंडो, तेरा परिवार पागल है, बावला है साले, सो शादी नहीं हो पाएगा, प्लीज लीव। तो अब अर्जुन डिप्रेशन में टू स्टेट्स टाइपराइटर पे टाइप करने लग जाता है। वहां इसका बाप इससे लेटर टाइप करने में हेल्प करते करते पूछता है, अब तुम्हारी आइटम कहाँ है? तो ये बोलता है, आई डोंट नो ब्रो। हेलो डार्कनेस माय ओल्ड फ्रेंड। बड़ा डिप्रेसिंग मूवी है बे। पर इसे कुछ दिन बाद कॉल आता है मद्रासी आलिया भट्ट का, और वो बोलती है, आइए तेरा पापा इधर आया था रे चेन्नई में, उनको एड्रेस कौन दिया रे? एनीवे नाइस गाय, शादी फिक्स करके गए है, मूवी के एंड में शादी करेंगे हम, बाय। तो ये अपने डैड को जाके बोलता है, पापा आप चेन्नई गए थे? तो बोलता है, हमसे नहीं होगा रे उड़ान का कैरेक्टर, हमको दूसरा रोल भी चाहिए, बहुत विलन बन गया रे। फिर बस दोनों की शादी फिक्स, अर्जुन की मॉम स्टॉप्स बीइंग अ बिच, दोनों की शादी हो जाती है। एंड रोनित रॉय, जिसकी अर्जुन कपूर की माँ से नहीं बनती, वो उसे जाके बोलता है, हम बेकार आदमी था रे, हम बेकार आदमी था सारी। तो शी इज लाइक ओके। एंड बस फिर दोनों की मद्रासी शादी हो जाती है, एंड द एंड। लेकिन 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 ये चूतिया थेरेपी में क्यों था? नहीं मतलब ज्यादा पैसे आ रहे हैं इनके पास। इस मूवी का नाम ना टू स्टेट्स की जगह बिची फैमिली वेड्स मद्रासी फैमिली सेव्ड बाय रोनित रॉय स्ट्रेच फॉर 2 hours and 23 minutes फॉर नो रीजन एट ऑल होना चाहिए था, ज्यादा सेंस बनता। सावन में लग गई गांड, हाँ लग गई, अभी रोड नहीं देख रहा, ट्रेन नहीं देख रहा, टाइम पे नहीं चल रहे, गांड तो लगनी है।